महाभारत का एक ऐसा श्राप जिसकी बदौलत आज भी करते हैं कुत्ते खुले में सहवास। आखिर किस श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास, इसके पीछे छुपा हुआ है महाभारत का सबसे बड़ा श्राप। दोस्तों चलिए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। ये हम सब जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की एक अकेली पत्नी थी। पांच पांडव भाइयों ने एक साथ ही द्रौपदी से विवाह रचाया था। इस विवाह के बाद पांचों पांडव भाइयों ने निर्धारित किया कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के साथ रहेगी और उसी के साथ समय व्यतीत करेगी। इनमें यह भी निर्धारित हुआ कि जब द्रौपदी एक पांडव के कक्ष में हो तो उस समय कोई दूसरा पांडव भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे संपूर्ण कुत्ते जाति का भविष्य बदल गया। दरअसल द्रौपदी के साथ भीम कक्ष में मौजूद थे, साथ ही उन्होंने अपनी पादुकाएं बाहर छोड़ रखी थी ताकि दूसरे पांडव को पता चल पाए कि कक्ष में पहले से ही कोई मौजूद है और उस समय कक्ष में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। लेकिन अचानक से ही ना जाने कैसे अर्जुन कक्ष में प्रवेश कर गए। जैसे ही द्रौपदी ने अर्जुन को कक्ष में आता हुआ देखा वो गुस्से से आग बबूला हो गई। इस घटना से अचानक ही दोनों भाइयों में तनाव उत्पन्न हो गया। तभी भीम ने अर्जुन से गुस्से में कहा, जब मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़कर आया था तो तुमने अंदर प्रवेश क्यों किया। तब अर्जुन ने कहा कि बाहर कोई पादुका नहीं थी। तब दोनों भाइयों ने बाहर आकर देखा तो सचमुच भीम की पादुकाएं वहां से गायब थी। अब सवाल ये था कि आखिर वो पादुकाएं कौन ले गया। इसी की खोज में दोनों भाई पादुकाएं ढूंढते हुए पास के जंगल में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भीम के पादुकाएं के साथ खेल रहा है। तब पता चला कि कुत्ते के द्वारा पादुकाएं उठाकर ले जाने के कारण ही अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया। द्रौपदी इस घटना से बहुत लज्जित महसूस कर रही थी। उसी समय द्रौपदी ने गुस्से में आकर उस कुत्ते को श्राप दे डाला कि जैसे आज तुम्हारे कारण मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा, वैसे ही सारी दुनिया तुम्हें हमेशा खुले में सहवास करते हुए देखेंगी। तब से ही दोस्तों माना जाता है कि द्रौपदी के श्राप कारण ही कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें कोई महाभारत भी लाज शर्म नहीं होती, जिसके चलते आसपास के मनुष्य अक्सर उनका महाभारत भी उड़ाते हैं क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ था महाभारत का एक श्राप। अगर आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें,